हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक सीरीज की चौथी रेसिपी, जो कि है डेसिकेटेड कोकोनट मोदक। जिसके लिए हमें चाहिए ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट है, ये 1/2 कप मिल्क मेड है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो आप आपके चॉइस के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, ये 2 टेबलस्पून मावा है, ये 1/2 टीस्पून घी है, 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर है और लेमन येलो कलर है, और ये मोदक का मोल्ड है। आइए मोदक बनाना शुरू करते हैं। आइए हम लोग गैस ऑन करके मावे को थोड़ा भून लेते हैं। 2 टेबलस्पून मावा है, 1.5 मिनट हमने मावे को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। घी डालकर उसे भून लेंगे। ये 1 मिनट के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम ये डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। 1 मिनट के लिए हमने डेसिकेटेड कोकोनट को भून लिया है। अब हम इसमें ये मिल्क मेड डालेंगे। मिल्क मेड हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे, जितना उसमें लगेगा उतना ही डालेंगे। इसमें ये हरी इलायची पाउडर डालते हैं। और ये इसमें थोड़ा सा घी हमें डालना है। गैस को बंद कर देंगे और हम ये सब चीजें अभी इसमें ऐड कर देंगे। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन येलो कलर डालेंगे। एकदम थोड़ा सा ही लेना है, 2-3 ड्रॉप्स मैंने लेमन येलो कलर लिया है। यह हमने पूरा 1/2 कप मिल्क मेड यूज कर लिया है और अभी हमारा मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। मैं गैस की फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब हम इस मिक्सचर को मोदक के मोल्ड में डाल के मोदक का शेप देते हैं। इसमें आप थोड़ा सा हाथ में घी भी लगा सकते हो, ताकि मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है तो घी लगाने से अच्छे से निकलेगा। अब देखते हैं, ज़रूरत पड़े तो घी भी लगा लेंगे। पहले नीचे डाला शेप को अच्छा आने के लिए इसे थोड़ा प्रेस करना है और फिर ऊपर से मिक्सचर डालना है।
तरह से अभी हमारे सभी मोदक तैयार हो गए हैं। इतने मिक्सर में हमारे 15 मोदक बनके तैयार हो गए हैं। हमारे डेसिकेटेड कोकोनट के मोदक बनके तैयार हो गए हैं। आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।